जात पात की भावना राष्ट्र विरोधी इसलिए है क्योंकि वह आपस में दुश्मनी और घृणा पैदा करती है। हमें एक मजबूत राष्ट्र बनने के लिए जातिवाद को नष्ट करना होगा। राष्ट्र निर्मित के बाद ही हम भाईचारा, स्वतंत्रता और समानता प्राप्त कर पाएंगे। भैया, आपको जो करना है वो करना, लेकिन आप घर चलो। एक बाजा बजाने वाले के लिए इस घर में कोई जगह नहीं। निकल जाए यहाँ से। भाई हूँ, भाई की तकलीफ तो बांटनी पड़ेगी ना बाबा। बाला पहले से ही जिद पे अड़ा है बाजा बजाने की। भीम भी अब बाला के जैसे बातें करने लगा है। मुझे लगता था कम से कम भीम तो मुझे समझता होगा, लेकिन बाला भैया आप रुक क्यों गए? जब मेरा पढ़ाई लिखाई में मन ही नहीं लगता तो मैं विद्यालय जाकर क्या करूं? बाला भैया अभी विद्यालय चलिए ना। अब विद्यालय जाओगे तो बाबा का गुस्सा थोड़ा शांत हो जाएगा, फिर बात करेंगे बाबा से। हाँ बाला भैया, भीम ठीक कह रहा है। बाबा का गुस्सा ठंडा हो जाने दीजिए, चलिए। क्या हुआ भीम? गुरुजी मैं बहुत दुविधा में हूँ। दुविधा? कैसी दुविधा? गुरुजी एक तरफ बाबा है और एक तरफ बाला भैया। मैं बाला भैया को सही मानता हूँ तो बाबा मुझे गलत मान रहे हैं। बाबा पुरिंजन काका से कह रहे थे कि उनके बच्चे उन्हें नहीं समझते हैं। वो बहुत दुखी थे और उन्हें दुखी देखकर मुझे भी दुख होता है। गुरुजी कभी लगता है कि बाला भैया को समझाऊं कि बाबा की बात मान ले, और कभी ऐसा लगता है कि बाबा को समझाऊं कि बाला भैया की बात मान ले। भीम, तू किनसे कह रहे? एक शिक्षक होने के नाते ये पढ़ाई लिखाई को ही ज्यादा महत्व देंगे। मेरे बाजा बजाने के हुनर की कदर ये कहाँ कर पाएंगे? मुझे बाजा बजाने का नशा है, उसके आगे मुझे दुनिया में कोई चीज अच्छी नहीं लगती। पढ़ाई लिखाई कुछ भी नहीं। क्या सही है और क्या गलत, इसको जांचने का एक तरीका है मेरे पास। आओ मेरे साथ, आओ, आओ मेरे साथ, आओ, आओ। एक ही बात पकड़कर बैठ गए हैं। अब आप ही समझा दीजिए भाई साहब जरा। आखिर गया ना बाला पढ़ने, तो इन्हें कहना गुस्सा छोड़ दीजिए और अपने काम पे ध्यान दीजिए। हाँ रामजी, भाभी जी सही कह रही हैं। नया नया काम मिला है, चल के करते हैं। ऐसे उदास बैठे रहने से कैसे काम चलेगा? और वैसे भी तुम्हारे बच्चे इतने काबिल और समझदार हैं, कभी कुछ गलत नहीं करेंगे। सब मिलकर मुझे ही समझा रहे हो, लेकिन मुझे भी समझो ना कि मेरी समस्या क्या है। बाला सबसे बड़ा है, वो अगर पढ़ाई के रास्ते से हट जाएगा तो बाकी बच्चे भी पढ़ना छोड़ देंगे। मैं जानती हूँ रामजी, सतपाल का घर यही है। जी हाँ, कहिए। वो गंगा भाभी के परिवार वालों के लिए भैया ने भिजवाया है। मुझे इसी रास्ते से जाना था तो भैया बोले देते हुए चले जाना। आप गंगा के ससुराल से आए हैं? जी हाँ। गंगा ये घर के बगल के देवर जी है। अरे आइए ना, आइए बैठिए। आइए, जब पानी वानी लेके आएंगे। धन्यवाद। लाइए भाभी, मैं चाय करती हूँ। बाकी सब खैरियत में है ना? हाँ वहाँ सब अच्छा है। दामाद जी से कहिए वो भी कभी छुट्टी लेकर यहाँ आया करें, हमें बहुत खुशी होगी। बाकी खाना वाना खा के जाइए, मुझे काम के लिए देरी हो रही है। मैं निकल रहा हूँ, आप बैठिए। चल ध्यान रखिएगा। आई वो गुड़, अरे मैं लेके आती हूँ। आपसे कुछ बात करनी थी। घर वालों के आगे तमाशा मत कीजिए। यहाँ बात नहीं कर सकते तो बाहर चल के तो बात कर सकते हैं ना। मुझे कोई बात नहीं करनी, जाके कह दीजिए उनसे। सोच लीजिए। लीजिए गुड लीजिए। बाकी वहाँ सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक। लीजिए ना गुड। जुनून है ना तुम में, तो ठीक है, इस मैदान के पूरे चक्कर लगाओ 1 घंटे तक। यदि तुम 1 घंटे तक लगातार दौड़ते रहे हो तो स्पष्ट हो जाएगा कि तुम्हारी रुचि पढ़ाई में नहीं बल्कि बाजा बजाने में है। गुरुजी, इससे क्या होगा? भीम, आज बाला के जुनून की अग्नि परीक्षा होगी। देखो, जितना प्रेम तुम किताबों से करते हो, बाला भी उतना ही प्रेम बाजा से करता हो, यह आवश्यक नहीं है। और किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए जुनून का होना बहुत ही आवश्यक है। मैं जानता हूं, किताबों के प्रति प्रेम की वजह से तुम मेरी सारी शर्तें मान लोगे। आज देखता हूं बाला मेरी शर्त मानता है कि नहीं, और यदि मानता है तो पूरी करता है कि नहीं। गुरुजी, मैं आपकी ये शर्त मानता हूँ और पूरी भी करूँगा। तो ठीक है, शुरू हो जाओ। यदि आज बाला शर्त जीतता है तो इससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि बाजा के प्रति उसका प्रेम सच्चा है। और फिर तुम्हारे मन में भी कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए कि कौन अधिक सही है। इतना तो पता होगा जिंदगी में आगे क्या करना है। बाजा बजाना है। आपसे एक बार कहा था ना, मैं अपने बाला भैया को वापस अपने घर ले जाऊंगा। मैं अपने भैया को वापस अपने घर ले जा रहा हूँ। आप मेरी कक्षा से कोई भी किताब लो, उसमें से मुझे 5 सवाल पूछो। अगर मैंने एक भी जवाब गलत दिया तो हम अभी के अभी ये स्कूल छोड़कर चले जाएंगे। नमस्ते जी, माफ कीजिएगा आपको मेरी वजह से बैठना पड़ा। नहीं कोई बात नहीं गुरुजी, ज़्यादा इंतज़ार भी नहीं किया। जी बताइए, आपके बेटे की कोई शिकायत है क्या? नहीं नहीं गुरुजी, ऐसी कोई बात नहीं। आपसे एक छोटा सा काम था। बिल्कुल बताइए। आपको याद होगा गुरुजी, आपके स्कूल के एक छात्र से मेरी बहस हुई थी। याद है गुरुजी। वो तीनों भाई बहुत ही बदतमीज है। मैं तो कहता हूँ उन्हें फौरन स्कूल से निकाल दीजिए, और इसके बदले में ये सेठ आपके लिए एक खूबसूरत सी अंगूठी लाया है, लीजिए। बाकी सब भाग जाए तो भाग जाए, लेकिन भीमराव कभी नहीं भागेगा। मैं इतना पढ़ूंगा कि आपको एक दिन मुझ पे गर्व होगा। स्कूल को भी मुझ पे गर्व होगा। वो तीनों भाई अगर बदतमीज होते ना तो आप यूं इस अंगूठी की कीमत पे उन तीनों को इस विद्यालय से निकालने की कोशिश नहीं करते। और आपका व्यवहार तो देखकर यही लगता है कि आप अपनी जिंदगी में कभी विद्यालय गए नहीं, इसलिए यूं अनपढ़ और जाहिल बनकर रह गए। 4 आने की तनख्वाह पाने वाले अदने से प्रधान अध्यापक होकर इतनी लंबी जुबान। उठिए। ये थप्पड़ इसलिए ताकि आपको याद रहे कि सभ्य बनने के लिए शिक्षा कितनी जरूरी होती है। जाइए। सुनिए, अपने बेटे को स्कूल जरूर भेजिएगा, वरना वो भी आपकी तरह अनपढ़ और गंवार बनकर रह जाएगा। जाइए और जेवर बेचिए। इस भीमराव के साथ साथ अब प्रधानाध्यापक को भी नहीं छोड़ूंगा। अरे भैया हिम्मत मत हारना, भागो और जोर से। अभी 1 घंटा पूरा होने में 5 मिनट बाकी है। निकाल छोड़कर बजाएगा। मेरा मन नहीं करता है पढ़ने का, नहीं समझ में आती है मुझे पढ़ाई। मुझे बाजा बजाना पसंद है। कमाल के। बाला इस घर में तभी लौट के आएगा जब वो बाजा बजाना छोड़ देगा। कि मैं बाजा बजाना नहीं छोड़ सकता। एक बाजा बजाने वाले के लिए इस घर में कोई जगह नहीं। निकल जाए यहाँ से। गुरुजी 1 घंटा हो। हाँ हो गया। अब तो मानते हो ना गुरुजी, मेरी रुचि किताबों में नहीं, बाजा बजाने में। मैं एक शिक्षक हूँ, इसलिए शिक्षा के महत्व से इनकार नहीं कर सकता। लेकिन यह भी सत्य है, यदि रुचि ना हो तो पढ़ाई क्या, किसी भी चीज को करने से कोई मतलब नहीं है। प्रेम, बाला की रुचि पढ़ाई में नहीं बल्कि बाजा बजाने में है, और किसी की रुचि मारनी नहीं चाहिए। जी, मैं क्या करना चाहिए? जितना पढ़ना चाहता है पढ़ने दो और अपनी रुचि का कार्य भी करने दो। जितना आसानी से पढ़ना चाहेगा पढ़ेगा, लेकिन पढ़ाई के लिए कोई दबाव मत डालो। क्योंकि धन कमाने के लिए और शिक्षा अर्जन करने के लिए पढ़ाई लिखाई के अलावा और भी कई नेक रास्ते हैं। समझ गए? अब तुम लोग विद्यालय जाओ। चलिए बाला लो बोल भैया। बाला में भी आग वही भीमराव वाली ही दिख रही है। क्या पता बाला अपने चुने हुए क्षेत्र में ही बहुत दूर तक जाए। देखिए, मुझे आपसे बहस नहीं करनी है। भाई ने आपको वापस बुलाया है, उन्होंने कहा कि वापस आ जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। तो उनसे भी कह दीजिए कि जब तक वो नहीं सुधरेंगे मैं वापस नहीं आऊंगी। तेरे दूर रहने से वो सुधर जाएंगे। दूर रहूंगी वही अच्छा है। आई मैं यही ठीक हूँ। भाई साहब, हम गंगा के साथ बात करके उसे 1-2 दिन में भेज देंगे। अच्छा तो ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। नहीं आई, मैं नहीं जाऊंगी। गंगा मेरी बात सुन, रोज रोज का वही, रात रात भर घर से बाहर रहते, शराब पीते, मैं कुछ कहूँ मुझ पे चिल्लाते, रोज रोज की लड़ाई झगड़े से मैं परेशान हो चुकी हूँ। आई यही रहूंगी, लेकिन यहाँ बैठ के समस्या का हल नहीं निकलेगा। और तेरे 2 बच्चे हैं गंगा, बच्चों का क्या? उनके भी तो है ना, संभाले वो, तब समझ में आएगा कि जिम्मेदारी क्या होती है। पूरा घर परेशान है उनसे। गंगा, ये कोई तरीका नहीं होता है। सब परेशान है तो सब मिलके बात करें, सब समझाएं उन्हें। बुआ समझाया, लेकिन समझे तब ना। केवल अपनी मन की करनी है। उनसे दूर रहूंगी तभी समझ में आएगा उनको। और अगर नहीं समझे तो क्या हमेशा के लिए अलग हो जाएगी? हाँ, हो जाऊंगी अलग। एक थप्पड़ मार दूंगी ना, तब समझ में आएगी बात। बात करती अलग हो जाऊंगी। मर्द के बिना औरत की जिंदगी जिंदगी नहीं होती है बुआ। मर्द की जिंदगी भी औरत के बिना जिंदगी नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये बात मर्द समझे तब ना। भीमा, ये नहीं समझ पा रही है मेरी बात। बहुत दर्द हो रहा है। मैं ही जानता हूँ कि मैं कक्षा में कैसे बैठा हूँ। थोड़ा बर्दाश्त कर लीजिए बाला भैया। चल नहीं पाओगे तो टांग के घर ले जाना पड़ेगा। फिर आई, बुआ, दीदी सब हजारों सवाल पूछेंगे। हाँ बाला भैया, थोड़ा बर्दाश्त कर लो, अभी दर्द ठीक हो जाएगा। बाला भैया, आपको याद है ना कैसे मुझे उस लड़के ने दौड़ में गिराया था और कैसे मैं बाबा की तरकीब से ठीक हो गया? याद है कि भूल गए? अरे क्या हुआ बाला, कैसा है? ठीक नहीं हूँ, बहुत पैर दर्द हो रहे। अच्छा, स्कूल जाना फिर से शुरू कर दिया? हाँ। तेरे बस का नहीं है, क्यों अपना वक्त बर्बाद कर रहा है? तेरी रुचि बाजा बजाने में है तो वही करना। वो तो तेरी हरकतों की वजह से कार्तिक ने तुझे बाहर कर दिया था, वरना झुंझुना तो तू बहुत अच्छा बजाने लगा था। इसलिए तो गुरुजी ने बाला भैया की परीक्षा ली और कहा कि 1 घंटे तक दौड़ो। और इनकी लगन देख के गुरुजी ने खुद ही कहा कि इन्हें बाजा ही बजाना चाहिए। पर बजाएगा कैसे? बाबा थोड़ी ना मानेंगे। वही तो। हाँ, पर एक तरीका है। क्या? तेरे ऐसे कई लड़के बाजा बजाने आते हैं तो उनके घर वाले मना कर देते हैं और उनमें से कई लड़के घर छोड़कर भाग जाते हैं। 2-4 महीने बाद घर वाले स्वीकार कर लेते हैं। तू ही भाग जाना। नहीं, मेरे बाला भी ऐसा नहीं करेंगे। अरे ऐसी वैसी यहाँ थोड़ी ना भेज रहा हूँ। यहाँ से 30 कोस दूर एक मेरे बड़े भाई रहते हैं और मुझसे बड़ी बाजा मंडली है उनकी। वहाँ जाएगा, आराम से रहेगा और पैसे वैसे भी ठीक ठाक मिल जाएंगे। जब बाबा मान जाएंगे तो फिर से वापस आ जाना। यहाँ गुरुजी के सामने दौड़ने से कुछ नहीं होगा, बाबा मानने वाले नहीं हैं। नहीं मानेंगे भीम, मैं चला ही जाता हूँ। बाला भैया आप ऐसी बातें मत कीजिए, आपको पता है आपको घर में कितना प्यार करते हैं, और आप घर छोड़ के चले जाएंगे तो सब कितना रोएंगे घर में। लेकिन भीम बाबा से कौन बात करेगा और उनके हजारों सवाल का कौन जवाब देगा? मैं बात करूंगा। और उनके हजारों सवाल का जवाब भी दूंगा, और उन्हीं सवाल और जवाब में एक रास्ता निकलेगा। और आप आगे से मेरे बाला भैया को भागने की सलाह मत देना। चलो बाला भैया दे मुझे। ये दे दी। बाला भागने को तैयार नहीं हुआ, कोई बात नहीं, लेकिन अगर भीमराव ने सवाल जवाब करके अपने बाबा को मना लिया तो बाला हमेशा के लिए हमारी तरफ हो जाएगा, और यही तो हम चाहते हैं।